अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छीना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैंने बधाई देने चला गया। अमेठी में सारस और आरिफ की दोस्ती ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। सोशल मीडिया पे इसको लेकर काफी चर्चाएं हुई थी, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी आरिफ और सारस की दोस्ती को देखने के लिए पहुंच गए थे, जिसकी तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी। लेकिन अब आरिफ से उनका दोस्त छीन लिया गया और वन विभाग की टीम ने सारस को अपने कब्जे में ले लिया और सारस को रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार में संरक्षित कर दिया गया है। वहीं अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वे जिससे मिलने जाते हैं सरकार उससे सब कुछ छीन लेती है। अखिलेश ने इस दौरान आजम खान कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी का भी उदाहरण दिया। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आरिफ बैठे हैं, इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने जो सारस के साथ मित्रता दिखाई और सारस की जो सेवा की, उसका परिणाम यह हुआ कि सारस इनका मित्र बन गया। ये कम देखने को मिला होगा कि एक सारस किसी आदमी के साथ ऐसा रहने लगे और उसका व्यवहार बदल जाए। और स्वाभाविक है कि इन्होंने सेवा की उसकी, और उस समय जब वो चोटिल था, चोट लगी थी उसको, टांग टूट गई थी, सारस की सेवा की, सारस से मित्रता हुई। और ये तो स्टडी का सब्जेक्ट है कि सारस कैसे इनके पास रह गया, रुक गया, ठहर गया, क्योंकि सारस के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छीना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैंने बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? अरे लोग कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं। मुझे याद है किसी ने बिल्लियां पाली थी और संख्या बढ़ गई, वो पड़ोसियों के घर चली गई थी, और न जाने कितने पालतू कुत्तों ने कितनों को काटा है। सरकार ने क्या किया? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? ये केवल इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिल करके आ गया। मुझे याद है कानपुर में जब समाजवादी पार्टी के विधायक से मैं मिलने गया, सरकार ने उसका ट्रांसफर कर दिया। आजम खान साहब या उनका परिवार इसलिए तकलीफ परेशानी में है क्योंकि वह समाजवादी है। ये अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं, हम तो इनसे कहेंगे अन्याय कर लो, मन भर लो, पेट भर ले, लेकिन जो ये आप काम कर रहे हो इसका क्या संदेश जा रहा है? मुझे याद है अधिकारियों ने इटावा से सारस संरक्षण के लिए एक वो बना रहे थे रिसर्च सेंटर, उसको भी छीना इन्होंने। ये न केवल आम लोगों के दुश्मन हैं, किसानों के दुश्मन हैं, ये पेड़ पंछियों के भी दुश्मन हैं। दरअसल अमेठी के गौरीगंज तहसील के जोधपुर मंडखा गांव में रहने वाले आरिफ और राजकीय पक्षी सारस की दोस्ती सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम ने सारस को रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार में संरक्षित कर दिया है। वहीं अब इसको लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला, जिसके बाद इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई।